नमस्कार। आज हम भील जनजाति के आंदोलन में गोविंद गुरु के योगदान का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में रहती है, जिसको भूमट का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ की रियासतें शामिल थी। भीलों को कर्नल टाड ने वनपुत्र कहा है, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे। मेवाड़ के महाराणाओं ने इनको सम्मान दिया है और भीलों ने भी मेवाड़ के जो राज्य है उसकी सेवाएं की हैं। इसलिए मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह है उसमें राजपूत के साथ साथ भील का भी चित्र अंकित है। जब राजस्थान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो गया तो इस क्षेत्र भी दो भागों में विभाजित था, खालसा क्षेत्र और जागीरी क्षेत्र में। प्रकृति से भील एक स्वतंत्र और युद्ध प्रिय जाति रही है। इसके मुख्य हथियार तीर व कमान रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर थे, इनके पास आर्थिक संसाधन भी नहीं थे। कारण ये जंगल में इधर उधर भटकते थे और जो कुछ जंगल में मिल जाता उसी से अपना गुजारा किया करते थे। थोड़ी बहुत इनके पास खेती होती थी, जो जंगल को जलाकर ये भूमि तैयार कर लेते थे उसमें करते थे। इसके अलावा लकड़ी काटना, घास, फूल फल, जड़ी बूटी, शहद, गोंद एकत्रित करना, मछली पकड़ना, जंगली जानवरों का शिकार करना इनका पेशा था। इनके क्षेत्र में जो यात्री आते थे उनसे ये एक बोलाई नामक का कर लेते थे, जिससे उनकी यात्रा को सुरक्षित करने की ये गारंटी देते थे। इसके अलावा ये गांवों की रखवाली भी करते थे और उस रखवाली के बदले में भी कुछ रुपये प्राप्त करते थे। जब अकाल पड़ जाता, सभी चीज़ों की कमी हो जाती तो ये चोरी और डकैती भी कर लिया करते थे। 1838 में मेवाड़ सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार मेवाड़ ने इस क्षेत्र की जो कानून और व्यवस्था थी भीलों के क्षेत्र की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मेवाड़ भील कोर की स्थापना की। भील पूर्णतः अशिक्षित थे, रूढ़िवादी थे, परंपरागत जीवन से लगाव रखते थे और इनमें आंदोलन होने का कारण ये था कि ये पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रिय, युद्ध प्रिय और जंगलों में रहने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इन पर कुछ अंकुश स्थापित किए जाने लगे, कुछ जो सामाजिक इनकी व्यवस्थाएं थी उनके अंदर हस्तक्षेप किया जाने लगा। जो इनकी आर्थिक व्यवस्था थी, जंगल के ऊपर ये जो डिपेंड थे उसको नियंत्रित किया जाने लगा। जो आबकारी कानून थे, यानी शराब से संबंधित या नशे से संबंधित, ये लोग सभी लोग नशा करते थे और लगभग पूरे भील क्षेत्र में एक महुआ नामक पेड़ है, उससे ये शराब निकालते और शराब का सेवन करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस शराब को निकालने से मना कर दिया, जिससे भी ये लोग नाराज़ हुए। इसी समय इनमें सुधार के लिए गोविंद गुरु, जो कि डूंगरपुर राज्य के बेतसा गांव के एक बंजारा परिवार से संबंधित थे और उन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की थी और युवावस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए और स्वामी जी के उपदेशों से ये प्रभावित होकर इन्होंने भीलों के अंदर या जनजाति, जो भी जनजाति के जो भी लोग थे उनके अंदर सेवा करने का कार्य किया, उनमें जागृति पैदा करने का कार्य किया, उनकी जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने का कार्य किया, उनको एक साथ एकत्रित करने का कार्य किया। तो गोविंद गुरु ने जो बासिया गांव था उसके अंदर धुनी और निशान स्थापित किया। धुनी और निशान का अर्थ ये था कि जो भी लोग गोविंद गुरु के संपर्क में आते उनको धुनी और निशान की पूजा करनी पड़ती थी। उन्होंने ये कहा कि मैंने जब भीलों के बीच रहना प्रारंभ किया तब उन्हें सृष्टिकर्ता का कोई ज्ञान नहीं था। जो भी भील मेरे पास आए मैंने उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने तथा ईश्वर की आराधना करने को कहा। मैंने उनसे कहा कि वे नफरत की भावना न रखें, किंतु सभी को एक ही परमात्मा की संतान समझें और दूसरों के साथ शांति से रहने का
प्रयास करें वे भूत प्रेत चुड़ैल इन पर विश्वास न करके धुनी और निशान की पूजा करें। इसके अलावा मांस और मदिरा का सेवन न करें। इन सब बातों को गोविंद गुरु ने इन भीलों के अंदर फैलाया, लेकिन इन अपनी सभी बातों को फैलाने के लिए उन्हें एक संगठन की आवश्यकता थी। तो सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए 1905 में उन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसको संप सभा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए, क्योंकि उसी समय बहुत सी मिशनरीज भी आ रही थी जो कि भीलों को या आदिवासियों को ईसाई धर्म में बदलने का प्रयास कर रही थी, तो इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। संप सभा के माध्यम से इन्होंने मेवाड़, डूंगरपुर, इडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों को संगठित किया। इन्होंने एक तरफ तो भीलों में जो व्याप्त सामाजिक बुराइयां और कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया, दूसरी तरफ उनके जो अधिकार थे उनके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। आदिवासी लोग चोरी ना करें, मांस न खाएं, शराब ना पिएं, ये सब गोविंद गुरु के प्रयासों से संभव हो रहा था। जब ये इतने संगठित हो रहे थे तो इनके आसपास की जो रियासतें थीं वो संसकित हो उठी और उन्हें लगने लगा कि ये अपने राज्य को उखाड़ देंगे और एक भील राज्य की स्थापना कर लेंगे। इसलिए इन राज्यों ने इनके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। और इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। भीलों का जो क्षेत्र था या जो भील लोग थे उनसे जो भी रियासत थे, जो जागीरदार थे, वो जिस तरह से पूरे राजस्थान में या पूरे भारत के अंदर जो लाग ली जाती थी, कई प्रकार की लागें ली जाती थी, बेगार ली जाती थी, यानी जागीरदार के घर पे, जमींदार या सामंत के घर पे इन लोगों के द्वारा कार्य किया जाता था जिसके बदले में इनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। और गोविंद गुरु ने जब इनमें जागृति पैदा की तो धीरे धीरे इन लोगों के अंदर बेगार प्रथा या जो भी लाग ली जाती थी उनके खिलाफ एक जागृति आई और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। एजीजी ने एक पत्र में लिखा है, वर्तमान परिस्थितियों में भीलों पर करों का बोझ बहुत ज़्यादा है। उनमें बेगार का आतंक इतना अधिक है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं और भूमि पड़त पड़ी है। कहने का अर्थ सीधा सीधा है, इनके ऊपर कर बहुत ज़्यादा थे और बेगार बहुत ज़्यादा ली जाती थी, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह गांव खाली करके जो भी जमींदार जागीरदार ज़्यादा बेगार लेता था उस क्षेत्र को ये खाली करके और दूसरी जगह चले जाते थे। 1913 में भीलों का आंदोलन ने गति पकड़ी और इसका कारण था कि जो भगत पंथ की स्थापना की थी उसके कुछ कार्यक्रमों को निश्चित कर दिया गया था कि इनको एक रुद्राक्ष की माला पहननी पड़ेगी, यज्ञ करना पड़ेगा, और अंग्रेज और जो रियासत थे उन्होंने इसको दूसरी तरीके से देखा कि ये पूरी तरह से अगर संगठित हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और इन्होंने विरोध करना शुरू किया। इसके साथ ही ईसाई मिशनरियों ने इनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का काम किया, लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुधी आंदोलन चलाया था उस आंदोलन के तहत गोविंद गुरु ने जिन लोगों ने धर्म परिवर्तित कर लिया था उन लोगों के द्वारा पुनः हिंदू धर्म के अंदर उनको लाने का कार्य किया और हिंदू धर्म के पूजा पाठ, नियम, प्रार्थना गीत, मंदिर आदि की आदि में जाने और उनकी स्थापना की बात इन्होंने की। गोविंद गुरु के आंदोलनों ने भीलों की न केवल धार्मिक भावनाओं को ही जागृत किया बल्कि भील समाज का ध्यान उनके आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति की ओर भी आकर्षित हुआ, जो कि अंग्रेजों के पूरी तरह से गुलाम हो चुके थे और अंग्रेज और जो सामंत थे वो अपने स्वार्थ की कूटनीति के लिए इन लोगों के साथ खेल रहे थे। और जब भी जागृति आती है तो शिक्षा के बल पर आती है, तो इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पाठशालाएँ स्थापित की गई। इस प्रकार भीलों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना जागृत करना गोविंद गुरु के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था।
उन्होंने अपने आंदोलन में कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, वो हमेशा अहिंसा के पक्षधर रहे और इस तरह से गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील पूरी तरह से संगठित हो गए और वे राज्य के दमन शोषण और अत्याचार का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे थे। गोविंद गुरु के इस आंदोलन ने शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों की नींद हराम कर दी और वो एक भील राज्य की स्थापना इसमें दे रहे थे। अतः 1913 में डूंगरपुर राज्य की पुलिस ने गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन तक उन्हें बंद रखा, उसके बाद में छोड़ दिया और उन्हें डूंगरपुर राज्य छोड़ने के लिए कहा गया। इन्होंने डूंगरपुर राज्य छोड़कर जो पास का एक गुजरात का इडर राज्य था वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ भी इनका विरोध किया गया और उसके बाद ये मानगढ़ चले गए। मानगढ़ का जो क्षेत्र है वो जंगल के अंदर स्थित है और पूरी तरह से एक सुरक्षित जगह थी। मानगढ़ आंदोलन का उद्देश्य ये था कि भील समाज को हिंदू धर्म के दायरे में रखते हुए और साथ जो सामंतवाद है उसके शोषण से मुक्त किया जाए। 1913 के अंदर मानगढ़ की पहाड़ियों पर एकत्रित होने के लिए गोविंद गुरु ने भीलों को कहा और बहुत से भील वहाँ पर इकट्ठे हो गए। 30 अक्टूबर 1913 को पुलिस के थानेदार ने 2 सिपाहियों को ये देखने के लिए भेजा कि मानगढ़ में क्या चल रहा है। इन सिपाहियों को भीलों ने पकड़ लिया, एक को मार डाला, दूसरे को बुरी तरह से पिटा। भीलों ने सूत के किले पर आक्रमण किया लेकिन वह असफल हो गए। इन सब कार्यवाहियों ने सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। उन्होंने एजीजी से प्रार्थना की कि गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया जाए और भीलों के इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। अतः 6 से 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर, वेलेजरी राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट की जो कंपनियां थी उनको वहां भेजा गया और यहां पर गोलियां चला दी गई 8 नवंबर को और 1500 भील मारे गए। कुछ ये कहते हैं कि 3000 तक मारे गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और अहमदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। इन पर मुकदमा चला, फांसी की सज़ा हुई लेकिन बाद में उसको उम्र कैद में बदल दिया गया और फिर उसे 10 वर्ष की कैद में बदल दिया गया। लेकिन 1930 में उन्हें इस शर्त पे छोड़ दिया गया कि वे भीलों के जो भी राज्य हैं उसमें प्रवेश नहीं करेंगे और इस तरह से गोविंद गुरु के इस आंदोलन को पूरी तरह से उचल दिया गया। लेकिन फिर भी गोविंद गुरु ने जो कार्य किया उससे भीलों के अंदर जागृति आई, उनके द्वारा जो पाठशालाएँ खोली गई उनसे भीलों के अंदर शिक्षा आई और उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में जाना, बेगार प्रथा का विरोध होना शुरू हो गया और सामंत और जो जागीरदार शासक और अंग्रेज थे उन्होंने भी इस आंदोलन के कारण उनके शोषण को कम कर दिया गया। इस तरह से गोविंद गुरु के द्वारा जो एक आंदोलन चला था जिसमें सम सभा, भगत पंथ, धूणी और निशान ये 3 मुख्य संस्थाओं की स्थापना हुई और इनके द्वारा भीलों के अंदर जागृति का कार्य किया गया और इनको इनसे बहुत से लाभ भी हुए।